हेलो दोस्तों, नमस्कार। ठंडी हो रही है दोस्तों, बहुत तेज। हमें तो ठंडी लग रही है, वैसे भी आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है। हमें लगता है इसीलिए आज मैं बहुत दुखी हूँ दोस्तों। मेरी बहन की शादी पड़ी है, जनवरी में सगाई है, और मेरी माँ नहीं है दोस्तों। हम लोगों को अप्रैल में ही छोड़ के चली गई थी वो, तो आज बस मुझे उन्हीं की याद आ रही है, तो इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। सोच रही हूँ कि मैंने शॉपिंग भी किया, ढेर सारी खुशियाँ होती है छोटी छोटी, मैं किससे शेयर करूँ? कौन है इस दुनिया में जो मेरे दुख में मुझसे ज्यादा दुखित होने वाला है, मुझसे मेरी खुशी में मुझसे ज्यादा खुश होने वाला? वो एक माँ ही तो होती है, बच्चों की खुशी में सबसे ज्यादा खुश होने वाली, और बच्चों के दुख में मुझसे पहले रो देने वाली तो एक माँ ही होती है। भगवान ने हम लोगों से वही छीन लिया। भगवान ने हम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। मैं आज बहुत दुखी हूँ, मुझे बस अपनी माँ की याद आ रही है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। मेरी मम्मी अप्रैल में चल बसी हम सबको छोड़ के। जब वही कोविड खूब फैला हुआ था, उस टाइम मेरी मम्मी डायबिटीज की पेशेंट थी, तो उस टाइम क्या हुआ कि हॉस्पिटल में बस कोविड के ही मरीज थे चारों तरफ, और मतलब अच्छे मरीज भी अगर जाते तो वहाँ सही नहीं था हॉस्पिटल में। मम्मी को ले जाया गया तुरंत, जैसे उनकी तबीयत खराब हुई, सुबह से ही थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, तो फिर ले जाया गया। जब गई मम्मी वहाँ हॉस्पिटल में तो बोली हमें जल्दी ले चलो, मैं घर पे ठीक हो जाऊंगी, ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था सब घर पे ही करा दी गई, और मैं यहीं नोएडा में ही थी। सुबह सुबह पता चला कि मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, तो मेरी बात भी नहीं हो पाई थी मम्मी से। मैं फोन करती रही सिस्टरों के पास, मम्मी की तबीयत कैसी है, मम्मी की तबीयत कैसी है। उन लोगों ने बहुत बोला कि अभी ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। जब हॉस्पिटल में मम्मी एडमिट हो गई तो बोली, फोन जब मेरा गया, बोली कि सुमन से कह दो कि घर पे पहुँचेंगे तो बात करेंगे। तो फिर मुझे थोड़ा शांति सी मिल गई जब मम्मी की आवाज़ मैंने सुनी। तो मम्मी घर पे आई तो बहुत शांति मिल गई, मम्मी मेरी ठीक है, ऑक्सीजन भी लग गई उनको। तो फिर एक दो घंटे तक हम लोगों को लगा माँ मेरी ठीक हो रही है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता था कि माँ मेरी जाने की तैयारी कर रही। फिर मैंने फोन किया, जब मम्मी यहाँ घर पे आ गई तो सब बहनें थोड़ा खुश हो गई थी, बोली मम्मी ठीक है दीदी। हम भी सोचे चलो मम्मी ठीक है। फिर मैं बाथरूम में कपड़ा रखी थी, मैं सोची मम्मी ठीक है, जाओ जाती हूँ धुल लेती हूँ कपड़ा वगैरह, वैसे सुबह से रखा हुआ है धुले नहीं है कपड़ा। जैसे मैंने धुलने को गई तैसे ऐसे मुझे मम्मी का चेहरा अचानक सा इतना तेज दिखाई देने लगा, इतना तेज लग रहा है चारों तरफ मम्मी दिखाई दे रही। तो मैं तुरंत बाथरूम से निकली, कपड़ा डाल के मशीन में तुरंत निकल आई।
मैं जैसे हाथ को अपने टॉवेल में पोंछ ही रही हूँ तैसे सिस्टर का फोन आ गया। वो फोन की घड़ी कितना मनहूस थी। मैंने फोन को उठाया, उसमें आवाज नहीं आई, बस रोने की आवाज आई सबकी। तब मुझे रिलाइज, मेरी मम्मी नहीं है इस दुनिया में, मेरी छोटी बहन। मुझे बस तुरंत ख्याल आया, मेरी छोटी बहन का क्या होगा। फिर मैं तुरंत यहां से बस पकड़ी ग्रेटर नोएडा से, सुबह घर पहुंची। मुझे कंफर्म नहीं था कि मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में, बस मुझे लगा मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मेरी बहन ने समझ नहीं पाई है, और अथर्व के पापा को पता था लेकिन मुझे बताए नहीं। मैं रात भर ऐसे जागती रही बस में। फिर जब सुबह हुई तो मैं सोच रही हूँ अपने मन में कि जब भी मैं घर जाती थी तो सुबह 4 ही नहीं बजता था तो मम्मी का फोन आ जाता था, सुमन कहाँ पहुंची हो। लेकिन आज तो कोई फोन नहीं आया मम्मी का, तो मैं समझ गई थोड़ा अंदर कि हो सकता है मम्मी एडमिट हो, मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब हो। जब मैं वहां घर पे पहुंची, अपने पुल के पास देख रही हूँ, वहीं से ढेर सारे लोग खड़े हैं, ट्रैक्टर खड़ा है। तो मेरा जैसे उम्मीद और साहस सब खत्म हो गया। मैं पैर भी अपने खड़ी नहीं हो पा रही थी उस टाइम। तो मुझे किसी तरीके से घर ले जाया गया। जब मैं देखी अपनी माँ को, दिखती पे लटाई हुए, मुझे लगा मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में। उसी टाइम मुझे तुरंत चक्कर आ गया और मैं बिल्कुल समझ ही नहीं पाई कि माँ नहीं है, अब क्या होगा। हमारे पापा अकेले हो गए, सबसे ज्यादा तो पापा का टेंशन रहता कि सब लोग अपने अपने, सबकी सब बहन की शादी हो जाएगी, सब अपने घर चली जाएंगी, मेरे पापा के लिए क्या होगा। सबको भगवान हिम्मत दे, शक्ति दे, जैसे मेरी माँ को छीने है तो सबके अंदर एक नई ताकत दे। कल मेरी सिस्टर फोन की, मैं पूछी क्या कर रही हो बहन, तो बोली स्टोर रूम साफ कर रहे हैं। हम कहे अच्छा हाँ, धीरे धीरे सफाई फाई चालू कर दो, फिलहाल सगाई तो यहाँ होगी नहीं, घर पे होटल में होगी, फिर भी शादी वादी में थोड़ा सफाई फाई अच्छी लगती है। तो बोली सिस्टर मम्मी की चूड़ी स्टोर रूम में मिली। फिर मैंने हिम्मत करके, बहुत हिम्मत करके कहा रख दो बच्ची, उसे रख दो। फिर बोल रही मम्मी का बहुत सामान इस घर में मिल रहा है। मैंने कहा सब रख दो बहन, तुम दिखित मत बिल्कुल हो। फिर मैंने फोन काट दिया, मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं रही उसे मैं कुछ कह दूं, उससे कुछ बात कर लूं। तो फिर यही होता है, अभी मेरी एक सिस्टर बहुत छोटी है, 3 सिस्टर है शादी करने के लिए। बताओ मेरी मत चल पड़ती, बस भगवान ऊपर वाले जैसे दुख दिए है, दुख को सहने की ताकत भी दे हम लोगों में। और तो दोस्तों बिल्कुल टूट चुके हैं, आप लोग को पता ही होगा, जिसकी माँ नहीं होती वो इंसान कैसे होता। माँ ही तो बच्चों की दुनिया होती है। फिर दोस्तों मिलेंगे।
अगली वीडियो में, तब तक के लिए।